सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाते हैं। इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस का सियासी मोर्चा जो है हाथरस के लिए रवाना हो रहा है। हाथरस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है इस वक्त रवाना हो रहे हैं। तो हाथरस के लिए दिल्ली से निकलते हुए ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर इन तस्वीरों में राहुल गांधी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली से रवाना हो रहे हैं हाथरस के लिए और कुछ ही देर में डीएनडी पहुंचेंगे। आपको बता दें इनके साथ 35 कांग्रेसी सांसद भी हाथरस पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से ये लोग मुलाकात करेंगे, क्योंकि गांव से पहरा जो है वो हट चुका है। और इसी बाबत राहुल प्रियंका अब हाथरस के लिए दिल्ली से रवाना होने वाले हैं और सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तथा कथित दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने के मकसद के लिए हाथरस के लिए दिल्ली से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में ये दोनों डीएनडी पहुंचेंगे और इसके मद्देनजर नोएडा पुलिस का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा और इसके तहत डीएनडी पर नोएडा में प्रवेश करने से उन्हें रोका भी जा सकता है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप एएनबी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ये हाथरस के लिए दिल्ली से निकल रहे हैं। तो कांग्रेस का सियासी मोर्चा जो है लगातार यहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हाथरस के लिए राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं और इनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। कुछ ही देर में ये डीएनडी पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरह से पहले भी हमने आपको कहा था कि बड़ी संख्या में डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो चुके हैं और भीड़ जो है इस कदर से है कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। और इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथरस की सूचना मिलने के साथ ही तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी डीएनडी पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इसके मद्देनजर नोएडा पुलिस का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और जो खबर मिल पा रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो 35 सांसदों के साथ कांग्रेस का आज हाथरस कूच है और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से तमाम सियासी मोर्चा बंदी जो है वो इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तमाम दर्शकों को बता दें 35 सांसदों का दल भी हाथरस जा रहा है। राहुल प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। परिवार ने जब सच बताया तो पुलिस पर सवाल उठ रहा है और उन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसके पहले जैसे हमने आपको बताया था, अपर मुख्य सचिव गृह हाथरस पहले ही पहुंच चुके हैं, उनके साथ यूपी के डीजीपी भी पहुंच चुके हैं। 35 कांग्रेसी सांसद कुछ ही देर में हाथरस पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। हाथरस मामले को लेकर लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है और इस कड़ी में तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमला बोल रही है। और अब ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथरस के लिए रवाना होते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अवनीश अवस्थी पीड़िता के घर भी पहुंच चुके हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है, कुछ देर पहले ये हाथरस पहुंचे थे और अपर मुख्य सचिव हाथरस पहुंचने के बाद पीड़िता के घर भी पहुंच चुके हैं। इनके साथ यूपी के डीजीपी भी मौजूद हैं और तस्वीरों में कांग्रेस का जो सियासी मोर्चा है वो भी नजर आ रहा है। तो दिल्ली से तो रवाना हो चुके हैं, अब कुछ ही देर में डीएनडी पहुंचेंगे। 35 कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ देर में डीएनडी पहुंचेंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि नोएडा में प्रवेश करने से राहुल गांधी को रोका जा सकता है, क्योंकि नोएडा पुलिस ने यह कहा था कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा।
लगातार ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथरस जाने की सूचना मिली, इसके साथ ही बड़ी संख्या में डीएनडी पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो गए और ये तमाम भीड़ जो है किस कदर है वो भी आप देख सकते हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।